अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शाहरुख गोरखपुर बर्ड सोसाइटी से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाहरुख बर्ड लवर। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्पेशल सॉफ्ट फूड के ऊपर है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक स्पेशल किस्म का सॉफ्ट फूड बनाऊंगा और उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अभी क्या है दोस्तों कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है और सभी मटकियों में और बॉक्सेस में अब बच्चे निकलने वाले हैं। तो जब बच्चे निकलते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा हमें कुछ स्पेशल किस्म का जो है इन्हें फ़ूड प्रोवाइड कराना होता है कि बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे और वो फ्रेश रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को बचा पाएँ। क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों बच्चे जो है, अगर सॉफ्ट फूड अच्छा नहीं मिलता है पेरेंट्स को, तो बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं और हेल्थ भी बहुत ख़राब रहती है। तो आइए, चलिए मैं आपको सॉफ्ट फूड बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये मैंने सॉफ्ट फूड की सारी चीज़ें इकट्ठा कर रखी है और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या कितना कितना लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे काला चना है, ये मैंने 2 केजी लिया हुआ है। और उसके बाद दोस्तों, मैंने ये गेहूँ है, इसे गंदुम भी बोलते हैं बहुत जगह पे लोग, तो ये मैंने 2 किलो दोस्तों लिया हुआ है, 2 केजी ये भी लिया हुआ है। और ये मक्का है दोस्तों, मक्का वैसे 1 केजी लेना था लेकिन मैंने 2 केजी लिया है, क्योंकि मक्का जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और बर्ड्स के जो चिक्स होते हैं इससे काफ़ी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, वो बिल्कुल जो है एकदम मोटे मोटे से हो जाते हैं अगर ये अच्छी क्वांटिटी में बर्ड्स उनको फीड कराता है तो। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सोयाबीन का बीज है और इसे हमें ज़्यादा नहीं लेना है, इसे 1/2 केजी ही लेना है और ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो इसे मैंने ज़्यादा नहीं रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म भी होता है और प्रोटीन इससे मिलता है, तो मैंने 1/2 केजी ही रखा है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जौ है, जौ भी मैंने 2 केजी लिया है। और उसके बाद ये आप सब जानते होंगे हरी मूंग में नॉर्मल सॉफ्ट फूड में दिया जाता है, तो इसकी क्वांटिटी भी मैंने 1/2 केजी रखी है। और दोस्तों, नॉर्मल राइस है, ये चावल है, तो इसको मैंने 1/2 केजी लिया है। अगर आपके पास मोटा वाला चावल मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आप ये देख सकते हैं, ये मटर है और ये भी मैंने 1/2 केजी लिया है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं सॉफ्ट फूड की। तो दोस्तों, बहुत से जगहों पे प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ये आप चना देख रहे हैं इस तरीके का, जैसे कोई भी खड़ा अगर चीज़ है जैसे मटर है या इस तरीके का चना है, तो बर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा, बहुत सी बर्ड्स ऐसी होती है जो आधा खाती है और आधा दूसरे दिन अवेरी में आपको मॉर्निंग में देखने को मिलता है कि चना इधर उधर पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, उसको अगर आप थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, इस तरीके से हैंड मिक्सी आती है स्पेशली बर्ड्स के लिए होती है ये, तो इससे आप थोड़ा सा ग्राइंड कर लें तो इनके टुकड़े थोड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे जो बड़ा दाना है, तो काफ़ी शौक से बर्ड खाता है और अगले दिन आपको कोई भी चीज़ पड़ी हुई नहीं मिलती है। अब आइए दोस्तों, आपको मैं सारी चीज़ें मिला के दिखाता हूँ। दोस्तों, अब हमारा सॉफ्ट फूड बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपको करना ये है कि बस किसी भी टीन में या आपके पास कोई प्लास्टिक का बॉक्स हो तो उसमें इसको रख के अच्छी तरीके से बंद कर दें जिसमें हवा वगैरह ना लगे, और ये ग्राइंडर रखें और हैंड मिक्सी है इसे बोलते हैं, सॉरी, तो इसको भी आप पास में रखें, अगर बर्ड्स छोड़ता है, बड़े दाने नहीं काटता है, तो आप इसको यूज़ करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।